नितू कल्ली ने गोरी पागल करते सा। तो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फिर से एक नई ट्रेनिंग वीडियो ले आ चुका हूँ। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, तो जो नेम आर वीडियो है, तो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड नेम आर वीडियो को किस प्रकार बना सकते हैं। एंड जैसा गाइस, आपने जो शुरुआत में दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग में देखा, दोस्तों जो भी वीडियो के लिए आपने देखा दोस्तों नेम आर वीडियो, दोस्तों आप किसी का भी नेम का दोस्तों इस तरह वीडियो को बना के सिंपली अपने टॉक पे दोस्तों कहीं भी मतलब पोस्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही गाइस अपने स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का अगर वीडियो बनाना है सिंपली, अभी ये वीडियो बहुत ही ट्रेंड चल रही है, तो गाइस आपको अगर बनाना है तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। एंड गाइस, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो गाइस आप वीडियो को बनाना सीख लेंगे। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बहुत सारे ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, सिंपली आप देख सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, दोस्तों इसके लिए बैकग्राउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस लिंक वगैरह आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सिंपली। तो गाइस आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके मतलब सॉरी आप टाइटल पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। एंड उसके बाद आपको वहाँ से आप बैकग्राउंड वीडियो को डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस सिंपली जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड को क्या करना है, सिंपली बाद में डाउनलोड करने पर वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस मैं चलता हूँ अपना काइमस्ट ओपन करके बता देता हूँ आप किस तरह वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना काइनमास्टर ओपन कर लिया है। तो गाइस आपको मैं सिंपली बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर काइनमास्टर मोड एप्लीकेशन हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइस इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सिंपली आप देख सकते हैं किस प्रकार आप काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस उसका मैंने वीडियो बना रखी है इस पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप काइनमास्टर ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस वाला आइकन भी क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो का जो रेशियो है 16:9 का सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, मीडिया पे जाना है। एंड मीडिया पे जाने के बाद तो आपको वो वाला वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि इस वीडियो को मैंने एडिट करके रखा है पहले से, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ गाइस इस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की वीडियो को आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं आपको इस तरह वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस आपको है ना सिंपली यहाँ पे नेम वगैरह जिसका भी लिखना चाहते हैं, तो गाइस आप यहाँ पे जो भी नेम ऐड कर सकते हैं। सो गाइस आपको है ना सिंपली यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद तो यहाँ पे टेस्ट पे जाना है। टेस्ट पे जाने के बाद तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, जिसका भी नाम लिखना चाहते हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है। सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राहुल। ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा रोटेट करना है नाम को। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, एंड गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, तो गाइस आपको जैसे कि पता है कि सिंपली यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो नेट ओपन नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे डिस्प्ले वाले जाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों कोई भी फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपका जो भी मन आपको लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना नाम दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद तो आपको यहाँ पे जो भी कलर अच्छा लगे, येलो या दोस्तों रेड कलर जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद तो आपको कहना सिंपली यहाँ पे नीचे दे सकते, इस तरह आपको क्या करना है पूरा लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के बाद तो आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा इन एनिमेशन, जिसको आपका जो नाम है दोस्तों थोड़ा सा एनिमेट होके आए, सिंपली थोड़ा सा मतलब एनिमेशन उसमें रहे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्लाइड राइट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे लगभग 2 सेकंड या 2.5 सेकंड आप कर सकते हैं, आपका 2 सेकंड बाद नाम आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 सेकंड कर सकते हो, अच्छी बात है। ठीक है, एंड दोस्तों आपको क्या करना है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा भी नेम लिख लेना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको दोस्तों दूसरा भी कोई भी नाम जैसे कि अगर लिखना चाहते हैं आप जो भी नाम का बनाना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं करता हूँ कोई भी नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद थोड़ा हल्का सा रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं या दोस्तों आप रोटेट नहीं कर सकते, तो आपका जैसा परफेक्ट हो। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट अच्छा लगे तो गाइज हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज उसके बाद क्या करना है, फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कलर अच्छा लगे, जैसे कि यहाँ पर रेड या ग्रीन जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ले लेता हूँ रेड कलर। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली क्या करना है गाइज, आपको जैसे का पता है फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेम है उसको पूरा लास्ट तक कर देना है वीडियो का लास्ट तक। एंड करने के बाद दोस्तों आपको इसको भी इन एनिमेशन देना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे स्लाइड राइट पे क्लिक करना है। तो जो पहला वाला दोस्तों हमने स्लाइड राइट पे क्लिक किया था, मतलब आपका नाम राइट से आएगा, ये गाइज आपको लेफ्ट से आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पे 2 सेकंड का कर देना है। तो गाइज अब आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
तो गाइस जैसा का देख सकते हैं यहाँ पे आपका वीडियो बिल्कुल बन चुका है सिंपली दोस्तों। इस तरह का वीडियो बना के कहीं पोस्ट कीजिएगा या स्टेटस लगाइएगा। तो गाइस सेव करने के लिए क्या करना है, सिंपली वीडियो को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक में दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट को दोस्तों करने से पहले आपको यहाँ पे जो भी क्वालिटी में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल एचडी में कर देता हूँ एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह जैसे आप एक्सपोर्ट कर देते हैं आपका वीडियो दोस्तों गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो में लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय।